आदर से मैं हूं सफीउल्ला, आप देख रहे हैं फोर टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मार्च अपन की अपीलों के बावजूद तशद्दुद में तब्दील, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जंग जैसा मंजर, पुलिस पर तलबा की संगबारी, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल। मुकर्रर वक्त से पहले ही मार्च का आगाज और मुकर्रर वक्त के बाद तक भी मार्च का सिलसिला जारी। मार्च में हिस्सा लेने वालों की गिरफ्तारियों के खिलाफ कैंप ऑफिस के रूबरू कांग्रेस के तेलंगाना अरकाने पार्लियामेंट का धरना। और मार्च में तशद्दुद के लिए पुलिस जिम्मेदार, पुलिस कार्रवाइयों पर इंकलाबी शायर गदर की तनकीद। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना मार्च के दौरान कई मुकामात पर पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए हैं। इतवार की सुबह से ही नेकलेस रोड जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस और अलहदा तेलंगाना के हामियों के दरमियान झड़पें हुई। बरहम हुजूम ने मीडिया की दो और पुलिस की तीन गाड़ियों को भी आग लगा दी। अलहदा तेलंगाना जेसी के तेलंगाना मार्च के दौरान नेकलेस रोड जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस और अलहदा तेलंगाना हामियों के दरमियान झड़पें होती रहीं। ये इलाके जंग के मैदान का मंजर पेश कर रही थी। इतवार की दोपहर से ही मुख्तलिफ अजला और इलाकों से आए हुए अलहदा तेलंगाना के हामी नेकलेस रोड की जानिब बढ़ने लगे। पुलिस ने सिर्फ चंद मखसूस इलाकों से नेकलेस रोड जाने की इजाज़त दी थी। ताहम अलहदा तेलंगाना के हामी रैलियों की शक्ल में खैरताबाद, सेक्रेटेट, टैंकबंड, बेगमपेट और दीगर मकामात से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। सेपहर 3 बजे तक हजारों की तादाद में अलहदा तेलंगाना के हामी नेकलेस रोड पर जमा हो गए। नेकलेस रोड पर पुलिस के साथ झड़प के बाद जलविहार पर संगवारी की गई। नेकलेस रोड पर वाक़े पीपल्स प्लाजा के पास पुलिस की तीन गाड़ियों को आग लगा दी गई। जबकि साक्षी और दूरदर्शन की गाड़ियों को भी जला दिया गया।
खैरताबाद और सेक्रेटरीट के पास काफ़ी देर तक पुलिस और तेलंगाना हामियों के दरमियान झड़पें होती रहीं। खैरताबाद के पास जुबली हिल्स के रुकन असम्बली विष्णु वर्धन रेड्डी रैली की शक्ल में नेकलिस रोड की जानब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस मौके पर विष्णु वर्धन रेड्डी और पुलिस अहदेदारों के दरमियान ज़बरदस्त बहस व तकरार हो गई। बाद में पुलिस ने विष्णु वर्धन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस रुकन पार्लियामेंट विजय शांति भी खैरताबाद से नेकलिस रोड जाने की कोशिश कर रही थी, ताहम पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया। इस मौके पर पुलिस अहदेदारों और विजय शांति के दरमियान ज़बरदस्त बहस व तकरार देखी गई। पुलिस ने खैरताबाद बेगमपेट और सेक्रेटरीट के पास तेलंगाना हामियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तेलंगाना मार्च में शिरकत के लिए वकला भी रैली की शक्ल में निकले। नेकलिस रोड पर जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम के मीडिया से मुतालिक किए गए रिमार्क्स के बाद मीडिया के नुमाइंदों पर हुजूम ने हमला कर दिया। मीडिया के तकरीबन 15 नुमाइंदे जख्मी हुए, जिसमें 4 TV के रिपोर्टर्स और कैमरामैन भी शामिल हैं। नेकलिस रोड, बेगमपेट, टैंकबंड, सेक्रेटरीट और खैरताबाद के इलाकों में ज़बरदस्त कशीदगी देखी गई। तेलंगाना मार्च के स्टेज से खिताब करते हुए टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई के कायदीन ने मरकजी हुकूमत से फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने का मुतालबा किया। 30 तारीख को होने वाला मिलियन मार्च तशद्दुद में तब्दील हो चुका है। तेलंगाना हामियों का पहला निशाना बने मीडिया तो दूसरा निशाना पुलिस। हालांकि कोदंडाराम ने अपने परमिशन लेटर में ये लिखा था कि इस मिलियन मार्च में कोई तशद्दुद नहीं होगा, बावजूद उसके कि जगह जगह टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा। अब देखना यह है कि कोदंडाराम की स्पीच के बाद क्या तेलंगाना के हामी निकलस रोड के मुकाम को छोड़ पाएंगे या फिर बायोडाइवर्सिटी को फेल करने के लिए वो लोग यहाँ पर ही रहने को तरजीह देंगे। कैमरा पर्सन काशिफ जब्बार और यूनुस के साथ मैं एस एम रफी, 4 TV न्यूज। तेलंगाना मार्च के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जंग का मंजर पेश कर रहा था। इतवार की सुबह से ही तलवा की बड़ी तादाद कैंपस में जमा होना शुरू हो गई थी। जेएसी के ऐलान के बरखिलाफ तलवा जेएसी ने टैंक बंड तक रैली निकालने का ऐलान किया था। तलवा के मनसूबे को देखते हुए पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस के तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी थी और यूनिवर्सिटी की अहम NCC गेट को भी बंद कर दिया था। तलबा ने गेट फलांग कर जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मौके पर पुलिस और तलबा के दरमियान जबरदस्त बहस व तकरार हुई और धकम पेल के मनाजिर भी देखे गए। बाद में तलबा ने पुलिस पर संगबारी शुरू कर दी, जिसके साथ ही पुलिस ने तलबा को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया। सुबह 10 बजे से शाम तक भी वक्फे से तलबा की संगबारी और पुलिस की जानिब से आंसू गैस के इस्तेमाल का सिलसिला जारी रहा। कैंपस के आसपास के इलाकों में आंसू गैस शेल्स का धुआं फैल गया था। मुकामी अवाम को खौफ के आलम में देखा गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में हर तरफ पत्थर दिखाई दे रहे थे। बाज मुकामात पर तलबा ने पुलिस की जानिब से लगाए गए खारदार तारों को आग लगाने की भी कोशिश की। बताया गया है कि इतवार की सुबह से शाम तक भी बड़े पैमाने पर आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे यूनिवर्सिटी की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। कैंपस में कशीदा हालात को देखते हुए पुलिस के मजीद दस्तों को तैनात किया गया है।
ریاستی وزیر داخلہ سویتا اندرا ریڈی نے تلنگانہ مارچ کے موقع پر پیش آئے واقعات کے لیے نیکلس روڈ کو جانے والے راستوں کو لے کر خطیت دیے گئے روڈ میپ سے متعلق غلط فہمی کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سویتا اندرا ریڈی نے کہا کہ پولیس نے چند مخصوص علاقوں سے ہی مارچ میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی، تاہم علیحدہ تلنگانہ کے حامی دوسرے راستوں سے پہنچنے کی کوشش کی جسے پولیس نے روکنا چاہا، تو مارچ میں شرکت کرنے والوں نے پولیس پر سنگ باری شروع کر دی۔ کانگریسی ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری سے متعلق پوچھے گئے سوال پر سویتا اندرا ریڈی نے بتایا کہ اطلاع دیے بغیر تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی کوشش کی اور پولیس کے روکنے پر وہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ کو پہلے سے ہی اس کی اطلاع دی جاتی تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ علیحدہ تلنگانہ سیاسی جے اے سی کے صدر نشین کوڈن رام نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ مارچ اتوار کی رات 7 بجے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ نیکلس روڈ پر تلنگانہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کوڈن رام نے کہا کہ جے اے سی نے پرامن مارچ کا اعلان کیا تھا، لیکن پولیس نے غیر ضروری گرفتاریاں کرتے ہوئے حالات کو کشیدہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کو اب کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ پولیس نے اتوار کی شام 7 بجے کے بعد سے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال شروع کر دیا تھا۔